different types of partner, actual partner या फिर active partner. Actual partner या active partner का मतलब क्या हुआ, जो day to day business में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा वो एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर. और सर जो घर में सोया रहता है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेता उसको क्या बोलेंगे, सर घर में सोया रहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेता है तो हो गया स्लीपिंग पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर. समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर. फिर नॉमिनल पार्टनर क्या हुआ, जो सिर्फ पार्टनरशिप हमको क्या प्रोवाइड किया, अपना नाम दिया है. क्यों चाहिए था उसका नाम मेरे को, समझो. हाँ करेक्ट. मान लो कि ये एक्स है और ये लोग दोनों बिजनेस शुरू कर रहा है तो इनको लगता है कि हम लोग को मार्केट में कोई जानता पहचानता नहीं है तो हम लोग को प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा. तो ये लोग क्या चला गया, ये लोग मेरे पास आ गए. वैसे आपको सब कोई जानता है, आप खाली बोल दीजिए कि आप हम लोग का पार्टनर है, सब हम लोग का प्रोडक्ट खरीदने लगेगा. तो हम कैसा पार्टनर हो गए, लेकिन हमको दिक्कत नहीं है, नाम ही तो देना है, पार्टनर बना लो, पैसा वैसा तो नहीं देना पड़ेगा ना, वैसे पैसा देने का जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है ना, हम पैसा देंगे ना हम आपका डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ नहीं. फंसेंगे अगर ये लोग दोनों पार्टनर कुछ गलत कर दिया तो थर्ड पर्सन जो है बाहर वाला मेरे खिलाफ भी केस करेगा, बिकॉज उसके नजर में हम क्या है, पार्टनर है. उसको थोड़ी पता है कि हम सिर्फ नाम दिए है. समझ में आ रहा है. और एक तरीके का पार्टनर होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो डिस्कस कर रहे थे क्लास के शुरुआत में कि एक कैसा पार्टनर होगा जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा लॉसेस शेयर नहीं करेगा. क्यों, अगेन ये दोनों क्या होता है, ये लोग दोनों मेरे पास आए और क्या बोलते हैं कि सर हम लोग के पास बहुत अच्छा आइडिया है, एक बिजनेस है बहुत अच्छा आइडिया है, अगर वो करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा, लॉस का तो चांस ही नहीं. बोले जाओ कर लो, प्रॉब्लम का है, सब पैसा नहीं है तो ठीक है, जितना पैसा चाहिए वो पैसा हम प्रोवाइड कर देंगे. प्रॉफिट कितना दोगे, तो जितना प्रॉफिट कमाएंगे आधा आप रख लीजिएगा और लॉसेस, बोले सर लॉसेस भी आधा आप बियर कर लीजिएगा. बोले हम एक पैसा नहीं देंगे तुमको, हमको पता नहीं कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम लोग क्या काम करेगा नहीं करेगा, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम सिर्फ तुमको क्या दे रहे, पैसा दे रहे, क्या भरोसा करके कि उस पैसे से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉफिट आएगा. बोला ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, लॉस होगा तो लॉस हम लोग बियर कर लेंगे, आप सिर्फ प्रॉफिट रखिएगा, पैसा दे दीजिए. तो ये आदमी जो है इसको समझ में नहीं आ रहा बिजनेस क्या है, ना ये एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा. समझ में आ रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेगा मैनेजमेंट में, कौन मैनेज करेगा बिजनेस, ये लोग दोनों बिजनेस मैनेज करेगा, यही लोग चलाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांटेगा, लॉसेस यही लोग बियर करेगा. इतना समझ में आता है. यहां पे बहुत सारा बुक्स में एक कॉन्सेप्ट लिखा रहता है सीक्रेट पार्टनर, बहुत सारा बुक में कॉन्सेप्ट लिखा रहता है सीक्रेट पार्टनर. ये सीक्रेट पार्टनर क्या हुआ, कोई एक आदमी है जो मेरा पार्टनर है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है, काम करता है, लेकिन वो दुनिया के नजर में नहीं आना चाहता. वो सारा काम करता है पार्टनर का, लेकिन दुनिया के नजर में आना नहीं चाहता है. समझ में आ रहा है ये चीज, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर. समझ में आया ये चीज. और एक चीज वहां पे लिखा होगा सब पार्टनर, सब पार्टनर. व्हाट इज सब पार्टनर, जब एक पार्टनर अपने अंदर और एक पार्टनर बना ले, एक पार्टनर अपने अंदर और एक पार्टनर बना ले तो उसको बोलते हैं सब पार्टनर. ठीक है, अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर इज अ सब पार्टनर, वो पूरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर का. मान लो कि ये एक्स और वाई, ये लोग दोनों मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाया, अभी एक्स को जितना काम करना है वो अकेले नहीं कर पा रहा है, तो ये अपने अंदर और एक
पार्टनर बना लिया, तो एक्स है, वाई है और ये एस है, तो एस किसका पार्टनर है? इन दोनों के पार्टनरशिप हमका पार्टनर नहीं है, समझ में आता है? अब एक कॉन्सेप्ट बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एस्टोपेल, एक वर्ड एस्टोपेल, 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 क्या होता है एस्टोपेल? कि एक बार कुछ बोल दिया तो बोल के पीछे नहीं हट सकते। अब दो चीज याद रखना, ठीक है, एस्टोपेल और होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ के रखना। कि जब जब हम दुनिया में जाकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया हम तो उन लोगों का क्या है, पार्टनर है, मान लो कि एक्स और वाई के बीच में क्या है, पार्टनरशिप है, तो विक्रम अग्रवाल जाकर के क्या कर रहे हैं, सबको ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि हम इन दोनों का पार्टनर है, तो बाद में पीछे नहीं हट सकता, विक्रम अग्रवाल बिकम्स अ पार्टनर बाय एस्टोपेल, समझ में आया? जब हम बाप बाकी लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनका पार्टनर है, तो हम बन गए पार्टनर बाय एस्टोपेल। व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? बोलते कि विक्रम अग्रवाल क्या इन दोनों का पार्टनर था? नहीं था। कोई एक मिस्टर एम है, वो इनके पास बिजनेस करने के लिए आया, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया एक्स और वाई के पास, तो वहीं पे बगल में ये भी बैठा हुआ है, विक्रम अग्रवाल भी बैठा हुआ है, तो ये लोग दोनों इसके सामने क्या बोलता है एम को कि भाई आपको कोई भी पेपर चाहिए होगा ना, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, किससे ले लीजिएगा, ये हम लोग का क्या है, पार्टनर है। ये बात कौन बोलता है? एक्स और वाई। तो जब पार्टनर लोग किसी थर्ड पर्सन को ये यकीन दिला दे कोई कोई और आदमी उन लोग का पार्टनर है, विक्रम अग्रवाल तो वहीं बैठा हुआ था, सब कुछ सुन रहा था, क्या मना किया? क्यों मना नहीं किया? क्यों नहीं बोला कि भैया ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो आपका पार्टनर नहीं है? तो विक्रम अग्रवाल बिकम्स अ पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट का डिफरेंस समझ में आया अभी? जब हम दुनिया में जाके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम उनका पार्टनर है, तो हम बन गए पार्टनर बाय एस्टोपेल, जब वो लोग दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि ये मेरा पार्टनर है, तो हो जाएगा होल्डिंग आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वर्किंग पार्टनर। तो ये वर्किंग पार्टनर क्या होता है? व्हाट इज अ वर्किंग पार्टनर? पार्टनर क्या एम्प्लॉई होता है या मालिक होता है? मालिक होता है। इसको सैलरी मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या पार्टनरशिप का अकाउंट्स बनाते टाइम पे आज तक कभी भी हम लोग देखे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी ऐसा लिखा हुआ रहता था? कभी भी दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये तो पार्टनर है, इसको तो प्रॉफिट मिलेगा, तो सैलरी क्यों मिल रहा है? काम तो सबको ही कर रहा है, काम तो सबको ही करता है ना, तो उसको सैलरी क्यों दे रहे हैं? अब कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे कि खाली वो बैंक के पैसे। गलत, गलत। बोले ये एक्स, ये वाई और ये जेड, नहीं एक्स है, वाई है और हम है, हम लोग तीनों मिलकर के एक बिजनेस चला रहे हैं। तुम लोग का इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया कि हम लोग को लगता है कि बाहर से आदमी हायर करना पड़ेगा अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। काम कौन करता है? तीनों। तो अभी हमको लगता है कि इतना ज्यादा अकाउंट्स मेंटेन करना है, बाहर से एक आदमी हायर करना पड़ेगा। तो अभी जब डिस्कशन हो रहा था हम लोग के बीच में, तो हम क्या बोलते कि यार बाहर से जो आदमी हायर करोगे उसको 15,000 रुपए का सैलरी देना पड़ेगा। एक काम करो, मेरे को भी तो ये अकाउंट्स मेंटेन करने का काम आता है, अकाउंट्स हम मेंटेन कर देते 10,000 रुपया मेरे को दे दो। काम करता है मतलब क्या? बिजनेस वाला काम नहीं करता है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, समझ में आ रहा है?
जिसमें कि एक्स्ट्रा स्किल्स लगता है, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तब हम हो गए वर्किंग पार्टनर। और इस अलग काम के लिए मेरे को क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है या सैलरी मिलता है। क्या कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मांग सकता है? कभी नहीं मांग सकता, उसको तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो सैलरी मिल सकता है, अगर सब पार्टनर डिसाइड करें।